वर्तमान में कोई मूवमेंट नहीं होती, देर इज नो मूवमेंट इन प्रेजेंट। आप देखो, आप और मैं अभी इस टाइम प्रेजेंट में है, क्या प्रेजेंट में आपको कोई दुख या तकलीफ है? मैं आपको कहूंगा प्रेजेंट में क्या हो, आप ये बोलोगे सिंपल सी बात है प्रेजेंट में मैं इस चीज को सुन रहा हूं। इसको सुनने में या देखने में जो आप देख रहे हो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मूवमेंट कहां होती है? मूवमेंट होती है आपके फ्यूचर में, आपके पास्ट में। पास्ट की मूवमेंट चल रही है, क्या कहा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। फ्यूचर की मूवमेंट चल रही है, कैसे करेंगे, ऐसे होगा, ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो। बट प्रेजेंट, वर्तमान मतलब स्टिलनेस, एक ठहराव, जहां पर कोई आशा नहीं, कोई निराशा नहीं, जो व्हाट इज है, जो सिर्फ है, जो जो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, बस जो अभी है, इस वक्त में है, इस वक्त को ही चख ले रहे हैं, इस वक्त में ही जी ले रहे हैं। कोई स्ट्रगल नहीं है इस इंस्टेंट में। ये मोमेंट जो है, ये जो वेरी इंस्टेंट है, ये बियॉन्ड टाइम है, इसका कोई समय नहीं है। और समय समय तुम्हें एक आभास नहीं लगता कि ये एक आभासी चीज है, ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि क्योंकि फ्यूचर तो होगा, कैसा होगा, ट्रूली वी डोंट नो, हम नहीं जानते। और शायद हम इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम फ्यूचर नहीं जानते, इसलिए हो सकता है हम फिर माफ करना, अगर कोई इस चीज में है तो हम एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं जो हमारा फ्यूचर बताए, क्योंकि हम प्रेजेंट से नफरत करते हैं। और हो भी क्यों ना प्रेजेंट से नफरत, प्रेजेंट हमें भयानक लगता है, रियलिटी इतनी भयानक ही है, या ये कहें कि रियलिटी के बारे में भी इतनी समझ नहीं है इसलिए शायद भयानक लगती है, लेकिन एक्चुअल में भयानक नहीं है ये। और हम पास्ट से सेटिस्फाई नहीं है, पास्ट की जो मूवमेंट है, हम इसको लेकर भी हम हमेशा डाउट में रहते हैं, शायद इसलिए हम जो हमारा पास्ट बता दे, हम उसको जो है वो भगवान मानने लगते हैं कि भाई इसने तो मेरे पास्ट के बारे में बता दिया, अब ये हम इस पर सरेंडर कर दें, तो यहां पर हम खो देते हैं अपने आप को। और अपने आप को खोने का मतलब है कि जो अस्तित्व की जो कंप्लीट एनर्जी है, जो प्रेजेंट में मौजूद है, वो तुम्हारे अंदर ही है। उस चीज से तुम फिर दूर होते चले जाते हो, क्योंकि तुम मूवमेंट करने लगे, तुम अब विस्थापित होने लगे अपने रियल सेल्फ से। तुम्हारा जो रियल सेल्फ है, तुम्हारी जो रियलिटी है उससे। और जैसे ही तुम प्रेजेंट से विस्थापित होने लगे, जैसे ही तुम प्रेजेंट से प्लान करने लगे, तो तुम्हारे जीवन में अब समस्याएं आनी स्टार्ट हो गई, और तुम अब घिर गए विचारों में, और ये विचार अब तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हें अब फंसा लेंगे, और थिंकिंग और थॉट वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब तुम्हारे अंदर जनरेट होने स्टार्ट होंगे एक्सपीरियंसर, अनुभवकर्ता, तुम अनुभव लेना स्टार्ट करोगे, ऑब्जर्वर, दृष्टा स्टार्ट होंगे, अब तुम पंडित बन जाओगे, अब तुम दार्शनिक, फिलोसफर बन जाओगे, आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाओगे, तुम प्रवचन देने लगोगे, या फिर तुम प्रवचन सुनने लगोगे, तुम किताबें पढ़ने लग जाओगे, अब तुम दूर होना स्टार्ट हो गए खुद से, खुद की वास्तविकता से, खुद की रियलिटी से, यानी खुद से। और जैसे जैसे ही अब तुम खुद से दूर होने स्टार्ट हो गए, तो लोग बने हुए हैं बहुत सारे तुम्हें खुद से और दूर करने के लिए, आओ हमारे पास, हम तुम्हें बताएंगे सत्य क्या है, हम तुम्हें बताएंगे सच्चाई क्या है, हम तुम्हें बताएंगे देखो इस जगह पर यह बात लिखी हुई है, हम तुम्हें बताएंगे पुराने लोगों ने क्या किया, वैसे ही करो, इसी पैटर्न में बंध जाओ। तुम बंध गए, तुम होने मुक्त आए थे,
लेकिन बंध गए, और ये बंधन तुम्हें और बांधता चला जाएगा, क्योंकि तुमने अब स्वीकार कर लिया है कि खुद से तुम्हें दूर होना ही है। लेकिन मैं तुम्हें खुद से मिलाने आया हूं, खुद से मिलो, तुम खुद में जाओ, खुद में तराशो, खुद में घुसो, खुद की पहचान को ढूंढो। जो तुम जमाने में ढूंढ रहे हो तुम्ही में ही है, वो तुम ही हो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा सच, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा असली नकली, तुम्हारे अंदर का जोकर, सब कुछ, तुम्हारे प्रश्न उत्तर, तुम्हारा द्वेत अद्वैत, शांति अशांति, भ्रम, तुम्हारा इविल गुड, कॉज इफेक्ट, तुम्हारी जो भी डिविनिटी है, सेक्रेडनेस है, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल लॉजिकल चीजें, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा जगत, तुम्हारी मिथ्या, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा प्रकाश, तुम में ही हो, तुम ही सत्य हो। इतना जान लो, बस इतना काफी है, और ये काफी नहीं, ये बहुत है, क्योंकि तुम ही अनंत हो, और ये अनंत ही सत्य है। क्या इस सत्य का साक्षात्कार तुम कर पाओगे? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, या फिर तुम फिर से प्लान करोगे भविष्य पर, भविष्य में जाओगे, ढूंढोगे, भटकोगे, ये जानते हुए कि प्रकाश तुम्हारे अंदर है, या फिर तुम दोबारा से चले जाओगे तुम्हारे भूतकाल में, तुम दोबारा से चले जाओगे अपने पास्ट में, तुम दोबारा से खो जाओगे उन पुरानी यादों में जिनका कोई मकसद नहीं बचा। तुम जान पूछ कर घिर रहे हो, तुम देखो कि तुम्हारे अंदर कौन है वो अनुभवकर्ता जो अनुभव लेने की कोशिश कर रहा है। उस अनुभवकर्ता को मिटा दो, जड़ से फेंक दो, उखाड़ दो। ये अनुभवकर्ता तुम्हें बांध रहा है, इस संसार में डाल रहा है। इस अनुभवकर्ता से, इस एक्सपीरियंसर से ऊपर उठो। ये एक्सपीरियंस तुम्हें भर रहा है, ये एक्सपीरियंस तुम्हें भारी कर रहा है। इस एक्सपीरियंस से ऊपर उठो। और फिर भी नहीं उठ पा रहे हो तो आओ, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। मेरे साथ ज्वाइन करो मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, अध्यात्म की पूर्ण कक्षा, और ये तुम्हारे साथ जिंदगी भर तक चलती ही रहेगी। यस, जिंदगी भर तक तुम्हारे साथ चलेगी। डेली, रोजाना, प्रतिदिन तुम्हें मैं ध्यान की वीडियो दूंगा, जिसमें तुम ध्यान करोगे डेली, सत्संग करोगे डेली, लाइफ टाइम के लिए। आओ इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ। जाइए और इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।